सो हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हम लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ काफ़ी बंदे कमेंट करने वाले हैं कि भाई फिर से फ्रिया के साथ वीडियो अपलोड कर दी। भाई मेरी बात सुनो, सीन कुछ ऐसा है कि ये वाला मैच आप लोगों को दिखाना बनता था मेरा, क्योंकि काफ़ी बंदे सोचते हैं कि भाई फ्रिया की आईडी से कोई और लोग आते हैं प्लस करके चला जाते हैं, फ्रिया का कोई खुद का गेम प्ले नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो गाइज़ ऐसा बोलने वाले बंदे जो भी हैं, ये मैच आप एंड तक देखो, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई टीम वर्क क्या होता है, एक आप अच्छा स्क्वाड मतलब कहते हैं किसको और कैसे आप लोग गेम प्ले मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में कवरअप करते हैं। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डेली चैनल के ऊपर वीडियोज आएंगे, ऑलमोस्ट 90% वीडियोज हर डे बाद मतलब लाइक डेली आ रही हैं, पर कभी कभार ये होता है कि दो दिन बाद एक वीडियो आ जाती है। तो भाई आप लोग एक्टिव रह करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो जिन बंदों ने नहीं किया हुआ, बिकॉज अगला सीजन में बहुत ही फाड़ू वीडियोज आने वाले हैं, क्योंकि अगला सीजन हम फुल्ली धड़ाधड़ मतलब प्लस करने ही वाले हैं। और ये सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ 5 दिन रह चुके हैं सीजन को खत्म होने में, उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि फिर नया सीजन स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्टेंट ही आप लोगों को मिलने वाला है। और जब मैं प्लस करता हूँ आप लोगों को बता कि कितने अमेजिंग किस्म के मैचेस निकल कर आते हैं, जिसमें सोलो वर्सेस स्क्वाड के मैचेस भी होते हैं और उसके अलावा इम्पॉसिबल सेव मोटिजीज भी होती हैं। पर एक मजे की बात बताऊँ, वो सब कुछ जो आप लोगों को अगले सीजन देखने को मिलने वाला है वो सब वैसे इस वीडियो में भी है। सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को लकी शॉप मिल जाएगी, लकी शॉप के अंदर 3 बंडल आए हैं। आप लोगों ने इन तीनों में से कौन सा बंडल निकाला है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो तो है ये दरमियान वाला बंडल। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो दरमियान में है ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। और आप लोगों को इनमें से कौन सा बंडल पसंद है और आप लोग कौन सा निकालने वाले हो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, ताकि फिर हम कभी भी कस्टम करें तो सेम ड्रेसिंग करके आ सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेन आया हमेशा की तरफ से मार्स इलेक्ट्रिक की साइड से, और हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि जब भी गेम प्ले निकालना होता है आपका भाई क्लॉक पर उतरता है। पहले मिशन होते थे, अब ड्रम ही नहीं है तो हमें क्लॉक टावर ही जाना पड़ता है, वहाँ पर उतरते साथ काफ़ी ज़्यादा किल मिल जाते हैं या फिर पीक के ऊपर। अब सीन ये है कि हमारे 3 बंदे हमने कहा इधर साथ उतरते हैं और एक बंदा हमने साइड कर दिया था, ताकि अगर हम तीनों हमारे भी जाएँ तो वो सेव कर चुके। सो सीन इधर है कि बंदे भी काफ़ी ज़्यादा सारे आ रहे थे, और आप लोगों को पता है कि भाई जब बंदे आते हैं तब मज़ा भी आता है उतरने का, क्योंकि तब उतरते साथ अफड़ा तफड़ी मज़ा आती है, किल्स वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं। अब सीन ये है कि हमने इकट्ठे लैंड किए बिल्कुल मैं और फ्रिया, और यहाँ पे दोनों को गन नहीं मिली पूरे के पूरे घर से। मैंने 7 वाला घर देखा, मुझे यहाँ पे थॉमसन मिल गई और थॉमसन भी काफ़ी अच्छी की है इन्होंने आजकल, क्योंकि जब बंदा आता है दोबारा रिवाइव होकर तब आती है। और यहाँ पे एक बंदा था शॉर्ट रेंज के अंदर और साथ ही इसका टीममेट भी इधर ही है, सो गाइस इसके टीममेट को नॉक करते हैं और फ्रिया ने दूसरे बंदे के ऊपर रश किया और फ्रिया को उसने यहाँ पे नॉक कर दिया, और ऊपर हमजा भी नॉक हो चुका है। सो दो बंदों के ऊपर पूरी गेम आ चुकी है, और गाइस जल्दी से इसके लूट कर लेते हैं। ऊपर वाले बंदों को मैं बाद में देखूंगा, पहले नीचे वाले बंदों को देख लेते हैं, ताकि ये ना ऊपर रश करना जाए, नीचे से बंदे ऊपर आ जाए। अब उतरते साथ मुझे काफ़ी टोकन मिल गए थे और राइट हैंड में 2 बंदे थे, तो मैंने कहा पहले बंदों को जाके निपटाता हूँ, मुझे और टोकन मिल जाएंगे। पर यहाँ पे नंबर 3 ने मुझे बोलता था कि मेरे पास भी बंदे हैं, आप यहाँ से खुद ही सेव करना, अगर मैं मर गया तो गेम सारी ख़राब हो जाएगी। और मतलब उतरते साथ ही ये बंदा मरता है, आप लोगों को पता है फ्रिया टॉप 1 पे बैठी हो तो कम अज़ कम उसको 500 का माइनस तो लगने ही वाला है, क्योंकि सबसे पहले स्क्वाड हमारी एलिमिनेट होगी। सो सीन ये है कि मैंने कहा इनको रिवाइव ही कर देता हूँ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी से जाकर इनको रिवाइव करके उन बंदों के ऊपर रश करता हूँ। और यहाँ पे मशीन के पास बैठा था, मुझे बंदे के फुटस्टेप आना शुरू हो गए, इन दोनों को रिवाइव तो मैंने कर दिया, बट बंदे ने मुझे मौका नहीं दिया और मुझे नॉक कर दिया, और दस्ती कंप्लीट भी उसने मुझे कर दिया। बट जैसे ही मैं हमारा साथ ही नंबर 3 ने जैसे कि बोला था कि मेरे पास बंदे हैं, वो भी मर गया और फ्रिया की लैंडिंग हुई ऑब्जर्वेटरी पर, और हमजा वहीं पर क्लॉक टावर के ऊपर उतरा हुआ है। सो सीन ये है, यहाँ पर फ्रिया ने रिवाइव करना है सबको, क्योंकि हमजा तो उधर रश में उतरा है और हमजा भी यहाँ पे मरने वाला है, क्योंकि उसके पास भी बंदे आ चुके थे। अब गाइस यहाँ पे आप लोग नोट करें, जो लोग कहते हो कि भाई फ्रिया की आईडी से कोई और बंदा आकर खेलता है, तो भाई एक नॉर्मल बंदा जिसको अक्ल होगी वो भी पहचान लेगा कि भाई ये लड़का खेला या लड़की खेल रही है। सो सीन ये है कि यहाँ पर टोकन वगैरह इसको कलेक्ट करने पड़ेंगे हमें रिवाइव करने के लिए। और यहाँ पर हमजा भी नॉक हो चुका है, मतलब अभी 1v4 पे गेम आ चुकी है और 45 अलाइव हैं। और टीम का सीन ये होता है कि देखो हम बिल्कुल लापरवाही से खेल रहे हैं, कोई हम मतलब सेव करके नहीं खेल रहे, रश पे उतरे हैं सारे, और यहाँ पे अब इसको टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा सारे। तो काफ़ी देर यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद एक बंदे को रिवाइव करने के टोकन तो हो गए थे, बट सीन ये है कि यहाँ पर बंदे भी आ चुके थे। अब ऑब्वियसली सी बात है कि जब प्लेन आता है बंदे ऑब्जर्वेटरी आते हैं, और अगर यहाँ पर लैंड ना करें तो रिवाइव होकर जैसे फ्रिया आइए वैसे ही काफ़ी बंदे यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यही सेफ प्लेस होती है बंदे को उतर के लूट करने के लिए। तो यहाँ पर सीन ये था कि मैंने बोला थोड़ा सेव कर लो, ताकि आपका भी रैंक काफ़ी हाई है, टॉप 1 पर बैठी आप लोगों को भी पता है। सो यहाँ पर अगर मर जाती, अगर पूरा स्क्वाड निकल आती तो काफ़ी दिक्कत होती, और माइनस भी कम अज़ कम 200-250 का पड़ जाना था, और उसको रिकवर करने में तकरीबन 5 से 6 गेम वेस्ट हो जाते हैं बंदे के। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने बोला जाके मुझे पिक कर दो, रिसीव कर दो, और मैं जाके इन दोनों को रिवाइव कर दूंगा। तो उसने कहा रिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे
जल्दी से जाके इसने मुझे बोला मैं रिवाइव कर देती हूँ और इधर उधर जाए बगैर। ऐसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ट्रिक कभी लग जाए तो ठीक है, वरना माइनस तो पड़ती है बंदे को। सो यहाँ पे सीन ये हुआ, सेफली ये यहाँ पे आई और इसने मुझे रिवाइव कर दिया। और आपको पता है जब मैं रिवाइव होगा तो टेंशन की बात नहीं है, मैं दोनों को भी रिवाइव आराम से कर दूंगा। सो आफ्टर लैंडिंग मेरे पास एक गन और आ गई और एक टू का हेलमेट। और जैसे मैं आगे की तरफ आया, एलशेप की तरफ से एक बंदा आ रहा था जिसको डैमेज पड़ रहा था, और जैसे ये मेरे सामने आया उसको मैंने 3-4 हेड लगाए और काउंट एक ही हुआ। रिप्ले में एक ही काउंट दिखाते हैं वैसे तो, और यहाँ पे नॉक हो गया और मेरी लूट का बंदोबस्त भी यहाँ से हो गया। और सीन कुछ ऐसा है कि अभी 35 साल आए में और गेम अभी फुली सेव है। और अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि टीम वर्क क्या होता है, अगर आप 3 भी हो तो क्या होता है, 2 भी हो और 4 भी हो। यहाँ से मुझे काफ़ी लूट मिल गई थी और इसके बाद हम डायरेक्ट बीमा शक्ति गए। बेसिकली मैं बीमा शक्ति जाता हूँ जिधर से भी आऊँ। सो यहाँ पर सीन ये कि बंदे थे ऊपर की तरफ थे और एक बाइक लेके भी इधर बंदा घूम रहा था और मुझे डैमेज पड़ना भी स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे वुड पिकर है, इसको लेने के लिए ट्राई करते हैं आई थिंक मशीन वाले घर में। और एक बंदा सीधा बाइक लेके मेरे पे रश कर रहा है और वॉल भी मेरे पास नहीं है। और भाई बाइक वाले ने मुझे मौका नहीं दिया, बाइक घुमाई उतरा और मुझे भाई M10 के लगाए, 3 जिपों वाली M10 के 4 शॉट लगाए और नॉक करके मोड दिखाना शुरू हो गया। सो ये चीज़ काफ़ी बुरा लगता है कि भाई भले ही आप अपने इंस्पिरेशन या अपने जानने वाले को नॉक कर रहे हो और ऊपर से आप उसको इमोट कर रहे हो, भले वो हार्ट वाला इमोट है, जहरी सी बात है, गुस्सा तो आते ही आते हैं। और इस गेम में मैं दूसरी दफ़ा नॉक हो गया हूँ। खैर मसले की बात नहीं है, अभी टीम अलाइव है और आप लोगों को जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ ना वो ऐसे ही दिखा पाऊंगा जब मैं मर जाऊँगा, उसके बगैर दिखा नहीं सकूँगा। अभी अभी मुझे गेंद से रिवाइव तो मिल गया है और उतरते साथ मेरा लूट का बंदोबस्त भी हो गया क्योंकि फ्रिया ने अभी रिसेंटली एक बंदा मारा था जिसकी मुझे लूट मिल गई उतरते साथ। और वन ऑफ माई फेवरेट M249 गन भी मुझे उतरते साथ ही मिल गई। और अब सीन ये है कि अब 26 अलाइम है और जोन छोटा होता जा रहा है, मतलब गेम टफ होना शुरू हो गया अब से। मेरे अलावा सबके पास लूट तो तगड़ी है और सीन ये एक जोन भी छोटा होता जा रहा है। अब जैसे मैं नीचे की तरफ जोन पकड़ा था तो नीचे की तरफ पूरी स्क्वाड जा रही थी जोन के अंदर और ऊपर भी बंदे थे। सो मैं दोनों साइड से गिरा हुआ था और वॉल भी मेरे पास सिर्फ एक है जो कि अभी अभी मुझे वैगन ने दी है। नीचे से डैमेज पड़ना स्टार्ट हुआ, मैंने वही वॉल डाल दी और इसको मैंने लगाया सेटअप शॉट और इसको लग के दोनों के दोनों हेड। अब सेकंड बंदा है उसको भी एक हेड लगा बट उसने वॉल लगा ली। अब सीन ये है कि नीचे वाले बंदों को तो मेरी लोकेशन चली गई है और अब एक बंदा और नीचे जा रहा है बाइक के ऊपर, अब इसको लगे शॉट और ये बेचारा डायरेक्ट नॉक हो गया। इससे पहले कि मेरा किल चोरी हो जल्दी से मैं अपना किल कंप्लीट कर लेता हूँ। और नीचे की तरफ से दो बंदे जा रहे हैं और मुझे HP मिलना स्टार्ट। सर्वाइविंग कॉम्बैट के जरिए HP मिलती है, आप लोगों को पता ही होगा। ये कैरेक्टर स्किल के ऊपर मैंने वीडियो बना ली और जैसे ही मैंने आगे एम किया पीछे से मुझे बंदे ने नॉक कर दिया और साथ ही उसने मुझे कंप्लीट कर दिया, ग्लोबल नहीं था। और गाइस अब यहाँ पे आप लोगों ने टीम वर्क नोट करना है। सामने की तरफ बंदे हैं, ये तीनों बंदे उनको हिट कर रहे हैं और एक बंदा, अब यहाँ पे देखना क्या सीन होता। अब देख लो तीनों बंदे यहाँ पे हैं, एक बंदा ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ चला गया कि कोई हमारे ऊपर पीछे से अटैक ना हो जाए, ठीक है। मतलब लाइक बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, माइक हमारे सबके ऑफ थे, बीच बीच में से हम ऑन करके बता रहे थे एक दूसरे को, बट यहाँ पर मैं स्पेक्टेड पे था और मुझे बताया लाइक मैंने DMT वालों में मतलब ये चीज़ अभी नोट की। पहले मैं भी इतना नोट नहीं करता था, मैं कहता था ठीक है नॉर्मल जैसे हम खेलते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे टीममेट होते ना मेरे, उन चारों ने पागलों की तरह भले ही सामने एक बंदा होता ना, सब ने भी मुझे किल मिल जाए, मुझे किल मिल जाए, मुझे मिल जाए, मतलब सब ने लालच करनी थी कि भाई किल ये वाला मुझे मिल जाए, बाकी सब गई गेम बाहर है। अब यहाँ पे ये देखो कितना आराम से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं कि ये दो बंदे इधर हैंडल कर रहे हैं और वो अकेला बंदा पीछे जाके पीछे से कवर कर रहा है कि पीछे से कोई बंदा आए और उनके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि मतलब ऐसे अगर एक बंदा अंदर घुस जाए ना तो वो पूरी स्क्वाड को मतलब डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी वाले पूरी गेम ले जाते हैं। अब ये देखो ये ऊपर वालों को हिट कर रहे हैं और वो पीछे वालों को खुद ब खुद हिट कर रहे हैं। और अगर आप खुद सोचो अगर यहाँ पे मेरी टीम होती, मैं अपना बता देता हूँ, मेरी टीम होती तो यहाँ पे भाई पीछे वालों को छोड़ के सबने आगे वालों पे आ जाना था, पीछे वालों के बारे में भूल ही जाना था कि पीछे भी बंदे हैं। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे गेम को। 18 बंदे लाइव हैं, 2 किल हमजा के हो चुके हैं और फिर ये लोग पीछे वालों को हैंडल कर रहे हैं। सो जहाँ तक अभी मेरा ओपिनियन है ना, अगर मतलब जो भी मैंने कहा गेम खेले ना, ये ऐसे ही अपनी गेम को हैंडल करके खेलते हैं अगर ये लोग साथ खेलें, तो उनका अपना स्क्वाड है, बहुत अच्छा टीम वर्क, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनके साथ खेल के। और यहाँ पे हमजा को एक और किल भी मिल गया और सेकंड बंदे ने इसको नॉक कर दिया क्योंकि इसका एम आ गया था डाउन वाले बंदे के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं, अभी भी 2 अलाइव है तो गेम हमारा आराम से निकाल लेंगे ये लोग। और यहाँ पे अवान को भी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो चुका है और आगे की तरफ 2 बंदे और पीछे की तरफ भी 2 बंदे हैं जो सारे इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, सब बंदे इनको हिट कर रहे हैं। और यहाँ पे अवान भी नॉक हो चुका है, फरिया अकेली बची है, हेल्थ काफ़ी कम है क्योंकि सब बंदे ही पॉइंट कह रहे थे इसकी तरफ, सब इनके मारने के ऊपर मतलब तुले हुए थे। और यहाँ पे फरिया के पास वॉल काफ़ी ज़्यादा सारे थे, सो कोई मसले की बात नहीं, उसने हर तरफ से अपने आप को केयर कर लिया। सो पीछे से फिर भी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो गया और आगे की तरफ भी बंदा है। अब यहाँ पे सीन ये है कि 8 लाइव है, मसले की बात नहीं, गेम तो सेव हो चुकी है, बट बुईया अगर आप लोग मिस करते हो तो आपका KD रेशियो में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे सामने की तरफ बंदा था, स्कालर ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है और वॉल सारे फूट चुके हैं। और देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या सीन है।
अब तीन बंदे पीछे की तरफ से आ रहे हैं जोन में, जिनको ये पहले हिट कर रहे थे, और अब एक बंदा इस साइड पे है। अब जैसे जैसे फ्रिया को मौका मिला भाई, इसने एक को रेड नंबर कराया, काफ़ी तगड़े लगे और अपने आप को कवर कर लिया हर तरफ से बंदे, मैं बता रहा हूँ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। मतलब एक बंदा ना आपस में फाइट नहीं कर रहे, और यहाँ पे जो खुले में था इसको तो फ्रिया ने बॉडी से दसी से नॉक कर दिया, मतलब इसको कोई मार ही नहीं था कम्प्लीट ही हुआ डायरेक्ट वो बंदा, एक अकेला बचा हुआ था। और तीन बंदे अभी पीछे की तरफ बचे हुए हैं। अब गाइस सीन ये है कि बंदों ने रश करना स्टार्ट कर दिया, जब उन्होंने देखा कि आगे एक ही बंदा है तो उन्होंने रश ही करना था। इतनी कोई खास टीम नहीं है, यहाँ पे मैं होता सो मैं थोड़ा और तरीके से गेम को हैंडल करता, हर किसी का अपना अपना गेम प्ले स्टाइल होता है, ये अपने तरीके से हैंडल कर रही है। अब यहाँ पे एक बंदा पीछे से घूम के शॉर्ट रेंज में आ गया और ये लॉन्ग रेंज वाले को देख रही थी, और उसने आते साथ भाई क्या किया, एम10 निकाली और ढस 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 और हेडशॉट के साथ गेम नाम ले गया अपने। मतलब इतने को खास प्लेयर रही है, फिर भी मैं होता तो मैं अपने तरीके से गेम को हैंडल कर ले। सो वीडियो का मेन टॉपिक यही था कि आप लोगों को बताना है कि टीम वर्क से सब कुछ होता है, टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आपके टीममेट अच्छे हैं तो भाई आप कोई भी अचीवमेंट फ्री फायर में हासिल कर सकते हो, भले ही वो टॉप 1 है या भले ही वो टॉप 10 है, जो भी आप अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो, रैंक पुशिंग होगा, सीएस गेम प्ले होगा, सब कुछ आपकी टीम के ऊपर डिपेंडेड है। आप सोलो में खेल के कभी भी रीजन टॉप 1 नहीं जा सकते। सो सबसे पहला गेम का काम ये क्या करो, गेम में अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको समझे और आप उनको समझो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पर जो बना नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी 100K होने वाली फैमिली में अभी से शामिल हो जाए। जज़ाकअल्लाह।